एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद एटा के ब्लॉक निधौली कला में स्थित आड़ापुरा गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान परसा देवी हैं। लगभग 4700 की आबादी व 2000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गाँव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान समय में गाँव के 150 परिवार राशन कार्ड से वंचित है। साथ ही गाँव में 60 वृद्धा पेंशन, 7 विकलांग पेंशन लाभार्थी पेंशन से वंचित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 201 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में 60 हैंडपंप, 150 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 सोलर लाइट भी गाँव में लगी हुई है। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में 9 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, चक रोड, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 इज्जत घर व 4 इंदिरा आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान वर्षा देवी, ग्राम अड़ापुरा, ब्लॉक निधौली कला, जिला एटा, 1704 और 4 आवास इंदिरा गांधी आवास चक्रोधन मिट्टी का भराव करवाया है। मैं सरकार से बात करती हूँ अपने गांव के लिए। मैं अपनी पंचायत के लिए स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और शमशान घाट और बारात घर की मांग गरीब किसान है, जिनके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री ग्राम विकास की मांग करती हूँ।